माशाल्लाह जितने भी लोग आज यहाँ मौजूद हैं, ये पिछले 4-5 साल से हमारे साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी में भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की कि आजकल के जो हमारे रियल स्टेट को चैलेंजेस दरपेश हैं, इनसे कैसे निपटा जाए, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, किस तरीके से हम काम को आगे लेके चल सकते हैं, गवर्नमेंट से हम क्या ऐसी रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिससे हम रियल स्टेट के अंदर उनकी, अगर गवर्नमेंट की भी हमें सपोर्ट मिले तो हम बेहतरी लेके आ सकते हैं, और एज अ कंपनी हम जो है क्या एफर्ट कर सकते हैं कि लोगों को इस तरफ तरकीब भी दी जाए कि स्टिल पाकिस्तान के अंदर जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो रियल स्टेट के अंदर ही हैं। तो देन वी हैव डिसाइडेड कि वाई नॉट टू हैव अ प्रोग्राम ऑन साइट, और इंडिविजुअल प्रोग्राम करने से अच्छा है कि जितने भी हमारे दोस्त हैं उन सबको एक ही फोरम पे इकट्ठा कर लिया जाए और उनसे ना सिर्फ डिस्कशन की जाए बल्कि उनसे जो है क्या कहते हैं हम उनके सवालात भी उनसे लेंगे, उनसे मशवरे भी मांगेंगे और मिल के किस तरह चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है जा सकता है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। इस सिलसिले में मैंने जो है जो हमारे ग्रुप सीईओ हैं असलम मलिक साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि वो अपना टाइम जो है वो हमें दें ताकि हम डेवलपमेंट के बारे में, बिकॉज जो डेवलपमेंट इधर मैसिव डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही है उसके हवाले से वो हमें अप्राइज भी कर सकें, आप सबको भी अप्राइज कर सकें, और आप लोगों के थ्रू जितने आपके क्लाइंट्स और मेंबर हैं उनको जो है हम अपनी डेवलपमेंट के बारे में बता सकें। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावा देना चाहूँगा असलम मलिक साहब को स्टेज पर। अभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब आए हम इंटरचेंज से सब लोग आए होंगे, आपने देखा होगा कि प्रोग्रेस पहले से ज़्यादा हमने कर दी, इसलिए कि जो कमी है उसको हम अपनी प्रोग्रेस की स्पीड से इसको किल करें और लोगों को अट्रैक्ट करें कि पैसा हो या ना हो काम हो सकता है। तो वो हमने माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से काम शुरू किया हुआ है। अब बोले वार्ड देखा आपने, अभी माशाल्लाह आपको शक्ल नज़र आई होगी, छोटा सा हिस्सा बन गया है हमारा, 20 लेन जो बोले वार्ड है वो रेडी है हमारा, एक पोर्शन उससे आगे भी हम इस तरह जा रहे हैं। इस वक्त आलमोस्ट 7 किलोमीटर पे काम हो रहा है बोले वार्ड पे, और रिंग रोड जो है आलमोस्ट 19 किलोमीटर पे काम हो रहा है जो हमारी 180 फीट रोड है। सिलिकॉन वैली जो है, सिलिकॉन विलेज जो है वहाँ स्पॉट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इनकोवेशन सेंटर जो है हमने अनाउंस किया था जो स्टार्टअप्स के लिए, जो फ्री 2 साल के लिए लोगों को जगह देंगे, जो कॉल सेंटर्स के लिए क्वेश्चन के लिए, वो जगह हमारी तैयार हो रही है। आपने देखा होगा लाहौर में भी, यहाँ भी। इसके अलावा एक्सपो सेंटर हम बना रहे हैं 3 लाख स्क्वायर फीट कवर्ड एरिए का, और जून 2024 में इंशाल्लाह हमने आईटी का पहला पाकिस्तान में इस लेवल का जो एग्जीबिशन है वो हम करने जा रहे हैं, और हम अपना एक्सपो सेंटर बना रहे हैं जिसमें 10 हॉल हैं 100x200 फीट के, और एक बड़ा कॉरिडोर है 500x100 फीट का, और ये सारा जो हॉल है उसके बाद फिर उसको प्रॉपर्टी एक्सपोज के लिए यूज़ करेंगे, और बहुत सी और चीज़ें भी आएंगी, मगर पहला जो एक्सपो इंशाल्लाह होगा वो जून 2024 में हम चाइना के साथ मिलके। अभी पिछले महीनों में ये बार्सिलोना में हुआ था उस लेवल का, वो उस लेवल का हम इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। इसके अलावा जो विलाज हैं इंशाल्लाह वो इस साल में 500+ विला रेडी हो रहे हैं, और वो हम अभी अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको देने जा रहे हैं। इस और यहाँ पर 3 फैमिलीज आ चुकी हैं, वो रह रही हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2 रेजिडेंट हैं और एक हमारे ही जो एम्प्लाई हैं हमारे GM है, उन्होंने किसी क्लाइंट से रेंट पे लेके खुद यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, और इंशाल्लाह मैं भी दिसंबर में शिफ्ट हो रहा हूँ। और मेरे रहने से इंशाल्लाह और लोग भी रहने के लिए आएंगे, हमारे अपना स्टाफ भी रहने के लिए आएगा, और जो मसाइल हैं यहाँ, पानी नहीं आ रहा, बिजली इंटरप्शन आ रही है, इंटरनेट वो सारी ज़ाहिर है, मैं खुद ऑब्जर्व करूँगा। तो मैंने खुद फैसला किया है, तो एक घर में तैयार करा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप दुआ करें कि जल्दी तैयार हो जाए। बाकी सारा निज़ाम हमारा रेडी है, ऑपरेशनल है, और सारा वो सर्विस सारी अवेलेबल है जिसमें इलेक्ट्रिक बाबडा की बिजली है, इंटरनेट है, टेलीविजन के हैं, टीवी के 200 चैनल के साथ जो केबल अवेलेबल है, हमने अपना हेड एंड लगा दिया है यहाँ पर, उस हेड एंड में 500 चैनल अवेलेबल हैं। तो हम ज़रा थोड़ा सा कम चैनल अभी केबल में डाल रहे हैं, और 200+ चैनल हमने डाले हुए हैं, और टेलीफोन भी उसमें अवेलेबल है, और बाकी सारी रोड नेटवर्क सिक्योरिटी ऑन बोर्ड है, और रहने के लिए 100% हम तैयार हैं, इसलिए मैं खुद भी इंशाल्लाह रहने के लिए आ रहा हूँ। और मैं अपने सारे स्टाफ से मैंने कल अनाउंस किया है कि जो बंदा यहाँ रहेगा हमारे स्टाफ में से, जो हमारे क्लाइंट के घर हैं उनसे रेंट पे लेके, तो उनको हम बेनिफिट भी देंगे, उनको ज़्यादा इंक्रीमेंट भी देंगे, उनको बोनसेस बता देंगे। तो इस तरह इंशाल्लाह
लोग आने के लिए रहने के लिए आ जाएंगे। और बाकी जो ओवरसी सेंट्रल की डेवलपमेंट बड़ी फास्ट ट्रैक पर चल रही है, वो मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम कि हम इस साल में ही सेशन शुरू करेंगे, इंशाल्लाह हम वादे पे कायम हैं। और अक्रॉस द मोटरवे जो ओवरसीज प्राइम टू हमने लॉन्च किया हुआ था, उसका इसी साल में ही इंशाल्लाह हम उसकी डेवलपमेंट का स्टार्ट कर रहे हैं। सुरबाना जौहरन की पूरी टीम जो है वो यहाँ पे 21, 22 और 23 और 24 अगस्त को यहाँ पाकिस्तान में होगी। और उनके जो मेन एक टाउन प्लानर हैं, आप सब जानते हैं, मिस्टर एंद्रे यूसाफ जो हैं, वो 6 माह यहाँ रहेंगे, अब हमारे पास रहेंगे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में रहेंगे। उनको हम अकोमोडेशन दे रहे हैं, ऑफिस दे रहे हैं और बाकी सारी जो फार्म बेसिक सपोर्ट दे रहे हैं। तो 6 महीने वो यहाँ रहेंगे हमारे पास, और इंशाल्लाह पहले 2 महीनों में हमें इतना वो काम कर देंगे कि हम काम स्टार्ट कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि इसी साल में हम इंशाल्लाह डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे ओवरसीज प्राइम टू की भी, और जो फर्दर हमने सेक्टर लेके आने हैं उस एरिया में, उसकी डेवलपमेंट हम इंशाल्लाह इस साल में शुरू कर चुके होंगे। तो इस लिहाज से आई एम सेटिस्फाइड, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से।